हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं लेकर आई हूँ मेथी मुठिया की रेसिपी। इस मुठिया को कई सब्जियों में डालकर भी बनाया जाता है, साथ ही आप इस मुठिया को स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले एक बाउल में बारीक चॉप की हुई मेथी ले लेंगे। यहाँ मैंने एक कप मेथी को धोकर लिया है। अब इसमें 1/4 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे, साथ ही 1/4 कप बेसन, फिर उसमें 1 चम्मच अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 चम्मच तिल, स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे। फिर यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर ले लिया है, उसे भी ऐड कर लेंगे, साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 छोटे चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। अब इन सभी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है। मेथी में जो पानी होगा उसी से आप इसे पहले मिला लें। अब ये मिक्स हो चुका है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा बना लेंगे। पानी आप एकदम कम ही यूज करें, बस ये एक साथ आकर डो जैसा बन जाना चाहिए। अगर ये हाथों पर चिपक रहा हो तो आप थोड़ा तेल लगाकर इसे बांध लें। यहाँ पर मेथी मुठिया का डो तैयार है। अब इसमें से इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन लेकर उसकी मुठिया बना लेंगे। इन्हें मैं एकदम स्मॉल साइज का बना रही हूँ। ऐसा बनाने से इन्हें फ्राई करने में बहुत आसानी होती है। आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डो लेकर सारी मुठिया बना लें। तो यहाँ मैंने सभी मेथी मुठिया बना ली है, इन्हें अब हमें फ्राई कर लेना है। इस मेथी मुठिया को हमें स्टीम नहीं करना होता है, हम डायरेक्ट फ्राई करेंगे आज। कढ़ाई में तेल काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस गर्म तेल में आप एक एक करके मुठिया डाल दें। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर ही रखें। ये मुठिया जैसे जैसे फ्राई होगी ये अपने आप ही ऊपर आ जाती है। मेथी मुठिया को तुरंत ना चलाएं, इन्हें हल्का फ्राई होने दें। जब ये हल्के क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम चलाकर चेक कर लेंगे। मेथी मुठिया को गोल्डन कलर आने तक के फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मेथी मुठिया फ्राई हो चुकी है, इसका बढ़िया गोल्डन कलर भी आ गया है और ये एकदम क्रिस्पी सी बनकर तैयार है। सेम तरह से मैं बाकी की भी मेथी मुठिया फ्राई कर लूँगी। ये मेथी मुठिया शाम की चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर सभी मुठिया फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो थी ना एकदम क्विक और बढ़िया सी रेसिपी, आप इन्हें गर्मा गर्म ही इंजॉय करें। ये बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।